23 दी पिक्चर साफ 24 दी दिखी झलक रास्तां दे विच नहीं बदलिया रिवाज अध प्रदेश सत्ता बरकरार छत्तीसगढ़ च पलटी बाजी तेलंगाना च कांग्रेस नूं संजीवनी इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी ये जश्न है जित दा ये खुशी है सत्ता दे सिंघासन तक पहुंचन दी किते ढोल दी गूंज ते किते लड्डूआं दी मिठास दा एहसास जिवें ही चार सूबियां दे चोण नतीजे आए तां देश भर तों अजिहियां तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हुईआं चोणां दे सिर्फ नतीजे ही नहीं आए 24 वाले फाइनल दा ट्रेलर भी विखा दित्ता ते इन्हां चोण नतीजिआं दे नाल बीजेपी जश्न दे विच डुब गई राजस्थान तो लैके मध्य प्रदेश ते छत्तीसगढ़ दे विच जित दा झंडा लहराया जबकि कांग्रेस तेलंगाना तक ही सिमट के रह गई सिर्फ एक सूबे तक ही सबर दा घुट भरना पिया सब तो पहला गल पंजाब दे नाल लगते गुआंढी सूबे राजस्थान की तो इत्थे रवाज ही बरकरार रहा ते 5 सालों के बाद सत्ता दे विच वापसी करन दे विच बीजेपी कामयाब हुई बीजेपी नूं वड्डी जित हासिल हुई ते 100 दा अंकड़ा पार करते हुए बहुमत हासिल किया बेशक पंजाब कांग्रेस के दिग्गजों के वलों राजस्थान के मैदान के धुआंधार प्रचार भी किया गया राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज की जिम्मेवारी पंजाब कांग्रेस के वड्डे आगू सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं दित्ती गई पर कामयाबी हासिल नहीं हुई और जो भी मैंडेट आया है जनता का मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं अच्छे काम करके दिखाएं ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में हर घर तक नहीं पहुंचा पाए मैसेज नहीं दे पाए ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी कानून हमने ऐतिहासिक बनाए पूरे देश में चर्चा उसकी है स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय एग्जामिन करने का विषय है ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए पर ये मांग मध्य प्रदेश में तो थी नहीं छत्तीसगढ़ में नहीं थी तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते वो गलत बात है नंबर 2 नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं पर जो सर्वे आए थे जो भी आए थे उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंडिंग में थी तो नो ऑप्शन इस प्रकार हालात बन गए थे इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए राजस्थान की ये जो शानदार जीत है ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका मंत्र था ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ये उसकी जीत है उनकी दी हुई गारंटी की जीत है ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी
के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। हुण गल मध्य प्रदेश की, जिथे बीजेपी ना सिर्फ अपने सत्ता नूं बरकरार रखण दे विच कामयाब हुई बल्कि बंपर जित दर्ज की, बहुमत के अंकड़े तो भी कितने अगे चली गई, 160 तो वध सीटां ते जितण दे विच सफल रही है। इस दे पिछे बीजेपी की रणनीति भी वड्डी वजह रही। केंद्रीय मंत्रियों सने संसद मैंबरों नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया। प्रधानमंत्री ते गृहमंत्री सने बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने चोण प्रचार दे लई मोर्चा संभालिया, जिसका असर नतीजों दे विच भी नजर आया। ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। मध्य प्रदेश तो बाद हुण गल करते हैं छत्तीसगढ़ की। जिवें सवेरे 8 बजे काउंटिंग का आगाज होया तां कुछ समय तक तां कांग्रेस दे लई चंगी खबर आई। रुझानां दे विच कांग्रेस लगातार अगे चल रही सी, पर दुपहर हुंदे हुंदे मुकाबला बराबर बराबर दा हो गया। पर हौली हौली पाड़ा वधदा गया ते कांग्रेस पिछे खिसकदी गई ते बीजेपी बहुमत दे अंकड़े नूं पार करती हुई अगे निकल गई ते 50 तों वी वध सीटां जित के 5 सालां दे बाद सत्ता दे विच वापसी कीती ते कांग्रेस नूं हार दा सामना करना पिया। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है, पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है, वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है, मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। तेलंगाना तो कांग्रेस को जरूर संजीवनी मिली है, 60 तो वध सीटां हासिल करके वड्डी जित दर्ज करन दे विच कामयाब हुई ते कांग्रेस तेलंगाना दे विच पहली बार सत्ता ते काबज होगी, क्योंकि तेलंगाना जो पहला आंध्र प्रदेश का हिस्सा सी ते साल 2014 दे विच अलग सूबा बनिया ते 2014 तो ही लगातार
बीआरएस के केसीआर मुख्यमंत्री सन, पर बीआरएस को कांग्रेस के अगे हार का सामना करना पड़ा। चार सूबे के चोन नतीजों के विचाले कांग्रेस का भी वड्डा बयान सामने आया। कांग्रेस ने तीन सूबे के विच हार को कबूल किया। कांग्रेस प्रधान मल्लिक अर्जुन खड़गे ने यह भी मनिया कि तीन सूबे के विच कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, ते नाल ही तेलंगाना के विच जित दे लई लोगों का धन्यवाद किया। यह भी साफ किया कि इंडिया गठजोड़ हेठ लोकसभा चोणों की तैयारी की जाएगी। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। चार दे विच तीन सूबे दे विच बीजेपी सत्ता ते काबज होई तां पार्टी वालों देश भर दे विच जश्न मनाए गए, ते इस दी गूंज पंजाब तक भी पहुंची। ढोल दी थाप ते बीजेपी आगू ते वर्कर नचते हुए नजर आए, ते इक दूजे दा मूंह मिठा करवाते हुए जित दा जश्न मनाया गया। लोगों ने बहुत ही अपनी सुचज्जे ते सियाणप दे नाल जिहड़ी आ मोदी भाई की सरकार बीजेपी की सरकार स्टेट तिना स्टेटा बनाई हैं, तो जे 24 का सैमीफाइनल सी, फाइनल अं 24 जितांगे। बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट तो वड्डे मार्जन के नाल जित प्राप्त की आ। यह जी जित लोगों के प्यार की तो विकास की जित आ, नरेंद्र भाई मोदी की जित आ, भाजपा जनता पार्टी हर एक वर्कर की जित आ। तो इतों क्लीयर हो रहा है कि लोगों ने विकास को तो प्यार नू, देश की तरक्की चुनिया है, तो विरोधियों हराया है। तो मैं आस करदा ये नाल ही 24 की जित है, ये 24 का सैमीफाइनल ही 24 मोदी साहब की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। बहुत खुशी हुई है क्योंकि तिना स्टेटा के भाजपा सरकार आ चुकी आ, तो सानू हुण पूरा यकीन हो गया कि 2024 के ऑल ओवर इंडिया पूरी स्टेटा च पंजाब के सारिया स्टेटा के बीजेपी की हर सीट जी जित के 24 के आने वाली सरकार मनिंदर भाई मोदी की होगी। तीन सूबे के बीजेपी ने वड्डी जित दर्ज की, तो पंजाब के विरोधी धिर के बैठी कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना तक ही सबर का घुट भरना पड़ा। पंजाब सत्ता धिर आप भी इन्होंने सूबे के कोई भी कमाल ना कर सकी, तो फिर इन्होंने चोन नतीजों का सेक पंजाब तक भी पहुंचा। विरोधियों ने सत्ता धिर आप को घेरना शुरू कर दिता। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आप को निशाने से लेंदिया कहा कि इन्होंने चोणों के जनता ने आप को पूरी तरह नकार दिता है, तो नाल ही चोन प्रचार के किए खर्चे का भी हवाला दिता। देखो पिछले 6 महीने की आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही थी, पंजाब सरकार का घट तो घट 500 करोड़ रुपया इश्तहारा का आम आदमी पार्टी ने इन्हों सूबे लाया, अपना पंजाब दे विच जिहड़ा झूठ बोलिया सी उही झूठ उत्ते बोलिया। तो तुसीं देख लिया कि उत्थे जिथे भी हुण पंजाब तो बाहर गई है इहनू नकारिया गया, क्यों? क्योंकि जिहड़ा धोखा पंजाब दे लोकां नाल कीता है हुण पूरे देश च पता लग गया। जे इहनां दा खाता खुलूगा तां कल्ला तिहार जेल च खुलूगा। तुसीं देखो हौली हौली सारे अंदर जाणगे, क्योंकि इहनां दा काम इक्को इक है, लुटना। पंजाब दे मुख्यमंत्री ने जिमें इतने घोटाले किए है, जिमें हालात इतने बन गए है, मैं लगता है मैं पंजाबियों बेनती करना चाहना है आप सीखीए दूजे सूबे तो जिन्होंने इन्हों रिजैक्ट किया है। चार दे विच तीन सूबे के बीजेपी ने जित का झंडा बुलंद किया, तो पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ भी बागो बाग नजर आए, जिन्होंने आप नूं भी निशाने ते लिया, ते अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस से भी खूब वरते हुए नजर आए। सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने कई यात्रावां कढ के वेख लिया पर कुछ भी हासिल नहीं होया, लोगों ने विकास के नाम से वोट पाई है, तो भाजपा ने इतिहासक जित दर्ज की है।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਆਈ ਸਲਿਊਟ ਦੈਮ, ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਗੇ, ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਤਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਵੋਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮਦਰਾਸ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ, ਉਹ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹਾਰਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟੇਟ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਕਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 2024 ਦੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 2024 ਲਈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਟਰੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣਾ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਨ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਬਣਨੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲੇ ਹੋਏ 1.5 ਦਰਜਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕਾ ਹਸੀਨ ਸਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਐਨਡੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਸਰਤ ਕੀ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਰੀਬੋ ਕਾ ਵੋ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬੇਟੀਓ ਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, 24 ਮੇਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਜਨਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੈ ਕੇਵਲ ਕਸਰਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ते जे सपा इंडिया गठजोड़ दे विच बरकरार रहिंदी है तां लोकसभा चोणां दे लई यूपी दे विच सीटां दी वंड नूं लै के कांग्रेस दा दावा कमजोर होवेगा ते सपा दा हत्थ होर उपर रहेगा। जिहड़ी पार्टी एक मुड बन के एक कोलिशन क्रिएट कर रही सीगी बीजेपी दे खिलाफ, ओदे पैरां हेठों जमीन अज निकल गई सर। ओ जिहड़े उत्थे खड़े हो के अंदर लोकसभा के अंदर कह रहे थे इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, हैरानी ये है कि इनको अभी यकीन नहीं है। अज उन्होंने यकीन नहीं, अज उन्होंने लोगों ने स्पष्ट करके दिखाता भी थोड़े पैर कितने नहीं लगते, चाहे उन्होंने भेस बदल के देख ले, लीडरशिप बदल के देख ली, खड़गे साहब नू अगे ले आए, यात्रावां कट के देख लिया, हिंदुस्तान नू होर दो फाड़ करने की कोशिश करके देख ली, कोई कास्ट सेंसस की गल करके देख ली, हरेक हथकंडा अपनाया, इन्हें ओछे ताई हथकंडे अपनाए, अभद्र भाषा इस्तेमाल की उन्होंने प्रधानमंत्री वास्ते, बीजेपी वास्ते जिन्ना जहर उगलिया, लोकां ने सारियां गल्लां एक पासे रख के प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, ओदे बाद उन्हां दी नीतियां, ते ओदे बाद उन्हां दी नीयत, इन्हां गल्लां नूं प्रमुख रख के वोटां पाईयां, चाहे वह राजस्थान दे सीगे, चाहे वह छत्तीसगढ़ दे सीगे, चाहे वह मध्य प्रदेश दे सीगे। उत्थे आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठजोड़ का हिस्सा है, ते आप मध्य प्रदेश राजस्थान ते छत्तीसगढ़ दे विच मैदान दे विच उतरी, पर चोणां दे विच कामयाबी हासिल नहीं हुई। तिन्हां नतीजों तों इक गल तां साफ है कि सीटां वाले फार्मूले दे विच पंजाब ते दिल्ली च आप दा दावा मजबूत होवेगा। चोण नतीजों तों बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ते राजस्थान दे विच सीटां वाला दावा कमजोर हो गया। चार विधानसभा चोण नतीजों नूं लैके पिक्चर स्पष्ट हो चुकी है, ते हुण सवाल है कि इन्हां चोण नतीजों दा 2024 दीआं लोकसभा चोणां ते किन्ना असर हुंदा है, कि इन्हां चोण नतीजों नूं 2024 दा सेमीफाइनल कहा जा सकदा है, कि बीजेपी लई हुण 24 तक दा सफर आसान हो गया, कि कांग्रेस इस झटके दे विचों उभर सकेगी, क्योंकि इत्थे जिक्र 2018 वालीआं विधानसभा चोणां दा वी करना बणदा है। 2018 दे विच राजस्थान, मध्य प्रदेश ते छत्तीसगढ़ इन्हां तिन्नां सूबयां दे विच बीजेपी नूं हार दा सामना करना पिया सी, पर 2023 दे विच पासा पूरी तरह पलट गया ते तिन्नां सूबयां दे विच बीजेपी सत्ता दे विच काबज होण च सफल हुई है। तां इत्थे सवाल जरूर बनता है कि जे 2018 दे विच तिन्नां सूबयां दे विच हार के 2019 दे विच लोकसभा चोणां च बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की, नरेंद्र मोदी लगातार दूजी बार प्रधानमंत्री बनने दे विच कामयाब होए, ते जे हुण तिन्नां सूबयां दे विच बीजेपी जित्ती है तां 24 दे विच किन्ना कमाल कर पाउंदी है। खैर, इंतजार कुछ महीनों का बाकी है, जिस दे बाद फाइनल वाली पिक्चर भी साफ हो जाएगी।